तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं अच्छे होंगे आप और जैसा कि हम जो है ट्वेल्थ क्लास का जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट टू उसका हमने लेक्चर वन चैप्टर नंबर सिक्स का लेक्चर वन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम जो है लेक्चर टू यानी कि हम पैराग्राफ ट्वेंटी से पढ़ना शुरू करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर वन में हमने जो है नाइनटीन uh, पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया था कंप्लीट कर लिया था उसमें हमने थोड़ा सा आपको पिछला स्टोरी हम बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए और इसे पढ़ने में आसानी हो हमको तो इससे पहले हमने जो ख़त्म किया था यानी जहाँ तक हमने अंत किया था उसमें हमने ये देखा कि सी जो है एक दिन अपरिचित गलियों से गुजर रहा था और उसको एक बुढ़ी औरत का दुकान दिखा जहाँ पे वो फल बेच रही थी और अपने पिछले शटर पे जो है वो बहुत ही

उसका लिंक जो है आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा राइट साइड में जो है आपको आई बटन दिख रहा होगा वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आई बटन पे सिर्फ क्लिक करिएगा तो वो वीडियो आ जाएगा उसे आप देख लें ओके चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैन आई हैव अ लुक जब सी बी वहाँ पर दुकान पर खड़ा होता है रुक जाता है तो एक बात मतलब वहाँ पे कुछ बोलता है सीबी क्या बोलता है देखते हैं सेड सीबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गोट्स सीबी क्या हुआ कि जैसे ही गोट्स को देखा उसने एकदम वो एकदम उसके अंदर पूछिए मत कितना कुलाहल मच रहा होगा सीबी जो है एकदम कुलहाल मच जाता है और बोलता है उस औरत से कैन आई हैव अ लुक क्या मैं इसे देख सकता हूँ क्या मैं इसे एक नज़र देख सकता हूँ सेठ सी बी सी वी बोलते ही अब परमिशन भी ले नहीं लेता है कि औरत बोल रही है कि नहीं बोल रही है यह भी नहीं सुनता है वो बोलते ही जो है तुरंत जो है पीछे की तरफ तर, चला जाता है मतलब जो स्टॉल लगा था जो पीछे की तरफ अपने दुकान के पीछे की तरफ जो स्टॉल लगाई थी वहाँ चला जाता है और जा करके अपने गोट्स को परीक्षण करने लगता है देखने लगता है कि कौन सा गोट्स जो है कितना मस्त है कौन सा इसमें से जो है लेने लायक है क्योंकि हमेशा सीबी जो है बेहतर ढूंढता था ना बहुत सारे गोट्स में से बेहतर ढूंढता था और उसको लेता था सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन वीच वॉज अबाउट फाइव इंचेस लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुकड क्वीट कॉमन प्लेस अचानक से सडनली क्या होता है कि उसका ध्यान एक गोट्स पे जाता है जो कि पाँच इंच लंबा है एक ही नज़र में सीबी को जो है वो गोड्स पसंद आ जाता है सीबी की नज़र जैसे ही उस गोड्स पे जाती है सीबी को जो है वो अचानक से जो कि पांच इंच लंबा है सीबी को पसंद आ गया कुछ उसमें ऐसा था समथिंग अबाउट इट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर कुछ उसमें होगा ज़बरदस्त कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सीबी के हार्ट बीट बढ़ा दिया सीबी का जो है धड़कन उस गोट्स को देख करके तेज हो गई सीबी को लगा कि अरे इतना मस्त गोट्स कहीं कोई ले ना ले कहीं कोई दूसरा ना इसे खरीद ले इस बात को सोच करके जो है सीबी की धड़कन बढ़ जाती है क्या बात था उस गोट्स में अभी ये तो बात सीबी ही समझ सकता है हम लोग क्या समझ सकते हैं कैसी क्या बातें थी उस गोट्स में क्या ऐसा कुछ खास था उस कद्दू में कि उस कद्दू को देख करके सीबी की धड़कन तेज हो गई बताइए और सीबी की जैसी धड़कन तेज होती है तो क्या होता है हाउ मच इज दिस वन ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड्स वो जो है पूरा हाँफते हुए क्योंकि धड़कन तेज हो गई ना तो हाँफते हुए आवाज़ में वो बोलता है उस औरत से दाम पूछता है बोलता है कि इसकी कीमत कितनी है कांपते हुए आवाज़ में जो है उसने औरत से पूछा जो दुकानदार थी वेल well सेड द ओल्ड वुमन अच्छा वो जो बूढ़ी औरत थी उसने बोला कि सिंस यू आर जस्ट अ लैड क्योंकि तुम एक बच्चे हो तो इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी आई लेट यू हैव इट फॉर टेन सेन मैं तुम्हें मात्र टेन सेन में इस कद्दू को दे दूँगी क्योंकि तुम एक बच्चे हो नहीं होता है कि बच्चे को देख करके लोग कम पैसे में भी दे देते हैं दया करके या मासूम लगता है कोई बच्चा तो उसको दे देता है आदमी इन दैट केस सेड सी बी एजेंटली प्लीज होल्ड इट फॉर मी वॉन्ट यू अब क्या होता है कि उस हालत में इन दैट केस उस हालत में सी बी ने बोला सी बी जो है जल्दी से कहा कृपया प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी कृपया आप इसे मेरे लिए रखिएगा ना मैं तुरंत जो है आई बी राइट बैक विद द मनी मैं तुरंत जा रहा हूँ और पैसे लेकर के आ रहा हूँ इसे बेचिएगा मत इसे मेरे लिए रखिएगा प्लीज़ रखिएगा ना मैं तुरंत जा रहा हूँ और पैसे लेके आ रहा हूँ मैं खरीदूंगा इसे और बोल करके सी दौड़ करके जो है घर चला जाता है दौड़ते दौड़ते घर जाता है ही डेस्ट होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल सीबी दौड़ते हुए घर जाता है और बिना समय गवाए नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल बिना समय गवाए क्या है वो स्टॉल पे चला आता है ही the गोड एंड टू किट होम वह गोड्स को खरीद लेता है यानी कद्दू को खरीद लेता है और वापस घर चला आता है अब घर आके क्या करेगा पता ही है आपको हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि क्या करता है वही सब करेगा फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोड देखिए गोड लेकर के तो घर चला गया फ्रॉम दैट टाइम और उसी समय से जब से वो गोड को खरीद के घर ले गया कद्दू को तब से जो है उस गोड से अपने आप को अलग किया ही नहीं यानी वो इतना इसको अच्छा लग रहा था गोड देखिए इसकी कद्दू कलेक्शन की जो है रुचि वो तो बहुत पहले से है ना लेकिन फिर भी जो है इस गोड में यानी इस कद्दू में ऐसा पता नहीं क्या खास बात था कि सीबी उसको छोड़ ही नहीं रहा था जब जब से वो खरीदा था तब से उसको अपने साथ ही लिया था खाना भी बैठा तो साथ में लेके बैठा सोया भी होगा तो साथ में ले सोया मतलब क्या था ऐसा कुछ कि छोड़ ही नहीं रहा था उसको ही इवन टू किट अलोंग टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिस इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम वो जो है इतना जो है उसमें मगन था उस गोड्स में कि वह उसको स्कूल भी लेके चला गया अपने साथ और करता क्या है एंड यूज टू पॉलिश और बेंच के नीचे क्लास जो डेस्क होता है क्लास डेस्क के नीचे क्लास टाइम में ही उसको पॉलिश करना शुरू कर देता है यानी पॉलिश करना शुरू कर देता है यानी उसको क्लास का भी ध्यान नहीं रहता है इट वॉज़ नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगा कॉट एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स कि वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया अब कितना क्लास बचिएगा होता है ना कि एक घंटी दो घंटी नहीं बोलते हैं हम लोग कि पहला पीरियड खत्म हुआ क्लास का दूसरा पीरियड खत्म हुआ तो ऐसे ही एक दो पीरियड खत्म हुआ होगा कि किसी न किसी पीरियड में तो उसको पकड़ा ही जाना था तो बहुत समय नहीं लगा कि वह जो है एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया शिक्षकों में से एक शिक्षक वन ऑफ द टीचर्स यानी एक दो क्लास हो गया होगा पीरियड और एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया हु वो पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास और वो शिक्षक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए वो जो जैसे ही इसको पकड़े वो बहुत ही गुस्से में आ गए और तौर पे इसलिए पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज और तौर पे और भी ज़्यादा इसलिए गुस्से में आ गए क्योंकि इट happened टू टेक प्लेस इन एन ethics क्लास क्योंकि वो क्लास जो ले रहे थे वह नीति शास्त्र की क्लास चल रही थी और वैसे क्लास में जो है यह इस तरह का काम कर रहा था इस बात पे और भी ज़्यादा वो टीचर जो है गुस्से हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट अफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास टाइम्स एज कलेक्टिंग गोड्स वो जो टीचर थे वो जापान के ही दूसरे कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान जापान के ही दूसरे हिस्से से आते थे And found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting gourds. वो जापान के ही दूसरे इलाके से आते थे और बिल्कुल भी जो है उनके नज़र में इस तरह का अगर कोई कार्य करता है कोई लड़का गोट्स जमा करता है और इस तरह के कार्य में संलग्न होता है तो वो जो है इसको कतई पसंद नहीं करते थे बहुत ही ज़्यादा गलत था ये उनके नज़र में कि कोई लड़का इस तरह के कार्य को करे ही नेवर माइंडेड हैविंग हीज वो कभी भी उतना बुरा नहीं माने स्टूडेंट सिंग नानीवा बोशी ब्लाट्स जब बच्चे नानीवा बोशी ब्लाट्स गाते थे चिल्लाने लगते थे तो उस बात पर जितना वो मतलब गुस्सा नहीं हुए थे अभी तक उससे कहीं ज़्यादा सीबी के इस व्यवहार से गुस्से हुए थे हाव अवर रॉकसली नाउ वेन ही फाउंड सी बी साइलेंटली पॉलिसिंग इज गॉड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फरी जैसे ही जो है उन्होंने यानी जैसे ही उन्होंने जो है सीबी को चुपचाप गोड को रंगते हुए देखा था और पकड़ा उसे सीबी को क्रोध से उनकी आवाज़ जो है कांपने लगी इतना तेज आवाज़ में क्रोध से बोल रहे थे हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फरी यानी इतने रोष में आकर के उसको डांट रहे थे तेज आवाज़ में उनकी आवाज़ भी जो है कापने लगी टीचर की सोचिए कितना गुस्से में आ होंगे यू आर एन ईडियट ही साउटेड वो चिल्ला करके बोले कि तुम बदतमीज हो तुम मूर्ख हो देर इज no नो for फॉर बॉय लाइक यू तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं होता है देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गोड ऑन विच सी बी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क और तब जो है सी बी से उस गोड्स को वो टीचर छीन लेते हैं जिस पर कि विच सी बी हैड स्पेंट सो long लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क जिस पर कि वह बहुत समय से काम किया था काफ़ी टाइम दिया था जिस गोट्स पे रात को लेके सोया था शाम को लेके सुबह में भी लेके स्कूल आ गया जिस पर कि उसने कड़ी मेहनत काफी देर तक की थी उस गोड्स को जो है कुछ ही छड़ों में जो है इसके शिक्षक ने छीन लिए पूरे गुस्से में आकर के सीबी क्या सीबी देखिए स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई सीबी जो है उनको एक नजरों से ऊपर की तरफ देखते रहा लेकिन एक शब्द भी बोला नहीं चिल्लाया नहीं चिल्लाएगा कैसे धबाक दबाक दे देंगे वेन ही गॉट होम सीबीज फेस was पेल जब CB जो है स्कूल की छुट्टी हुई जब वो घर गया तो CB का चेहरा सीबीज फेस was पेल CB का चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ा था पड़ेगा क्यों नहीं कल का जो है मेहनत किया हुआ है पूरा उत्सुकता के साथ जो है खरीदा उस पर काम किया फिर लास्ट में क्या हुआ छिना गया विदाउट अ वॉर्ड ही पुट हीज फीट ऑन द व्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल और क्या किया कि बिना कुछ बोले यानी घर पे आया तो बिल्कुल उदास रहा बिना कुछ बोले वो अपने पैर को जो है वार्मर में रखा और फिर जो है एक उदासी भरी नज़रों से ना बैठ करके खाली नज़रों से जो है उस तरफ देखने लगा दीवार की तरफ देखने लगा उस तरफ जिस तरफ ये पूरा कद्दू लटकाया हुआ होगा पहले से उस तरफ बेचारा जो है बिल्कुल ही जो है एकदम उदास हो के ठीक है ना उदास होकर के खाली नजरों से जो है उस तरफ देखने लगा और कुछ सोच भी रहा होगा तब तक होता क्या है आफ्टर वाइल कुछ ही समय बाद द टीचर अराइव्ड कि टीचर भी धमक आते हैं इसके घर लीजिए और भी बन गया एज सिबीज फादर वॉज नॉट ईट होम फ्रॉम द कार्पेंटर शॉप वे ही वर्क द टीचर डायरेक्टेड ही अटैक ऑन सीबीज मदर देखिए जैसे ही टीचर घर आते हैं सीबीज़ फादर वाज़ नॉट होम की सीबी के पिताजी जो हैं अभी कारपेंटर के शॉप से वापस नहीं लौटे हुए होते हैं इसलिए वेयर ही वर्क जहाँ पे वो काम करते हैं वहां से अभी सी के पिताजी घर नहीं आए हुए होते हैं तो इसके कारण अब सी, वो सॉरी टीचर टीचर क्या करते हैं कि सी के माता पे ही एक बार आक्रमण कर देते हैं यानी जो बोलना है जो शिकायत है उस शिकायत का जो है पूरा करना शुरू कर देते हैं सीबी के पिताजी होते तो शायद उनसे करते लेकिन पिताजी के नहीं होने के कारण सीबी की जो माता जी हैं उन्हीं पर जो है अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और उन्हीं से जो है मुखातिब हुए और उन्हीं से जो है शिकायत करना शुरू कर दिए दिस शॉर्ट ऑफ है यहाँ पे दिस शॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली कहते हैं पूरा गुस्से में है शिक्षक पूरा गुस्से में और कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें परिवार की जिम्मेदारी है आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि आप देखें अपने बच्चों को ही सेड इन स्टर्न वाइस वो जो है कठोर लहजों में बोल रहे हैं एकदम जो टीचर हैं कठोर लहजे में स्टर्न वाइस कठोर लहजे में बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो आपका बेटा कर रहा है आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको देखिए कि इस तरह की नहीं हो गार्जियन का जो है ये ड्यूटी होता है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका बेटा क्या कर रहा है देखना चाहिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपेन ये पेरेंट्स का जो है ज़िम्मेदारी बनता है कि उनके बेटे जो हैं इस तरह के कार्य को ना करें इस तरह का कार्य ना हो इस बात का वो ध्यान रखें इन एन एग्नी ऑफ एम्बारसमेंट सीबी इज़ मदर मेटर्ड सम समेपोलॉजी और इस बात को सुन करके सीबी की जो माँ है दुखी हो जाती हैं और बिल्कुल जो है भयभीत भी हो जाती हैं और क्षमा याचना के कुछ शब्द भी बोलती हैं शर्मा भी जाती हैं अब किसी बेटे का शिकायत जो टीचर आकर के घर पे करने लगा तो फिर क्या होगा माता पिता तो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करेंगे ही ना कि मेरा बेटा इस तरह का काम कर रहा है छोटा मोटा तो शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और क्षमा याचना भी मांग रही हैं कि क्षमा करें बच्चा जो है इस तरह की बातें इस तरह की काम कर लिया या कर दिया ये बातें कह रही हैं फुसफुसा करके क्षमा मांग रही हैं क्योंकि इनकी आवाज़ छोटी है और वो पूरा गुस्सा करके बोल रहे हैं आगे बोलते हैं मीन वाइल सी बी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्सपीक एज पॉसिबल इन द कॉर्नर और उस टाइम क्या होता है कि सीबी जो है कोने में अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है टीचर जब आके डाँट रहे हैं तो क्या करेगा डरेगा ही ना कोने में छिपाने की बात बात कर रहे हैं मतलब कोशिश करता है कि हम छिपे रहें हमारे ऊपर ध्यान न जाए का। टेरिफाइड ही ग्लैंस्ड अप एट हीज विंडिक्टिव टीचर एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर गोड्स वॉज हैंगिंग और अपने आप को जो है छिपाने की कोशिश करता है कोने में और भयभीत भी है वह अपनी सजा को जो है सोच रहा है कि अगर शिक्षक हमें देख लेंगे तो क्या करेंगे और उस तरफ देख रहा है किस तरफ वेयर होल रो उस तरफ भी देख रहा है पीछे की दीवार पर देख रहा है जहां पर पूरी तरह से तैयार प्रिपेयर्ड गोट्स वॉज हैंगिंग पूरी तरह से तैयार गोट्स लटके हुए थे पूरी तरह से तैयार का मतलब क्या मतलब इसने सारी परीक्षण जो है गोट्स पर कर लिया है और बिल्कुल तैयार हो चुका है परीक्षण अब कुछ नहीं करना है उस पर तो यानी उस तरह से तैयार गोट्स जो लटके हुए थे लटकाया हुआ था इसने उस तरफ दीवार के तरफ देख रहा है और सोच रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम कि क्या होगा व्हाट वुड हैपन क्या होगा जब शिक्षक की नजर उन सारे गोड्स पर पड़ जाएंगी क्या होगा सोच रहा है कि एक गोड्स पे तो इतना भड़के हैं यदि ये सारा गोड्स देख लेंगे तो क्या होगा क्या करेंगे डर रहा होगा बहुत डर रहा होगा और एकदम दिपका हुआ है कि क्या होता है ट्रेवलिंग इन साइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड ही एंड स्टैम्प एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस सीबी रिलीफ क्या होता है कि ट्रैम्बलिंग इनसाइड अंदर से कांपते हुए उसने क्या किया कि परिस्थिति का परीक्षा करने लगा कौन सीबी परिस्थिति का चलो भाई अब जो होगा तो दिखाई जगह अंदर से तो काफी रहा वेटेड फॉर द वर्स परिस्थिति का परीक्षा करने लगा अंदर से कांप भी रहा है लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद जो है आवेश से थक करके वह आदमी जो है यानी जो टीचर हैं वो घर से बाहर चले गए सीबी क्या करता है कि सीबी हीव्ड अ साई रिलीफ यानी सीबी जो है राहत की सांस लेता है कि भला हुआ कि सर चले गए और उनकी नज़र हमारे इस गोड्स पर नहीं पड़ी सीबी को लगा कि खतरा टला तो पता नहीं अभी खतरा टला कि नहीं टला वो तो अभी हम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा आपको सीबीज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली सीबी की माँ जो है शिशक शिशक के रो रही थी इन क्वारलेस वाइन सीबी began to scold him and in the midst of this सीबीज father returned from his दुकान से आएंगे और कहाँ से ही शॉप आ गया ना तो मतलब सीबी की माँ रो रही थी तभी क्या हुआ कि उसी समय उसके पिताजी जो है दुकान से वापस आ गए एज सुन एज ही वॉट हैड हैपेन्ड जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ है ही ग्रैप्ड ही सन बाई द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड जैसे ही उन्होंने सुना कि आखिर हुआ क्या है किस बात पे मार हो रही है किस बात से क्या हुआ है जैसे ही वो आते इन सारी बातों को समझे तो गुस्से में हो गए और गुस्से में होकर के उन्होंने जो है उस अपने बेटे यानी कि सीबी के कॉलर को पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं डांटने लगते हैं यू आर कैरिंग ऑन पूरा जो है डाटते हैं कॉलर पकड़ करके पिटाई भी करते हैं मार देते हैं धबाक धबाक यू आर कैरिंग ऑन आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग और डाटते हैं कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो बुरे हो मुझे अच्छा होता कि मैं तुम्हें जो है गलियों में फेंक आता जिसके तुम लायक हो ना नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लड़के होने से अच्छा है कि मर जाए या नहीं होता तो ही बात बोल रहे हैं द goats ऑन द वोल कॉट his attention और पीटते पीटते इनके ध्यान जो है उन goats पर चला जाता है जहाँ पे सीबी जो है लटकाया हुआ है यानी उस दीवार पे इनकी ध्यान चली जाती है जहाँ पे goats लटकाया हुआ होता है विदाउट अ वर्ड और बिना कुछ बोले ही फेस्ड हिज हैमर वो अपना हथौड़ा लाते हैं एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज और एक एक करके सारे goats को वो फोड़ डालते हैं लो वन आफ्टर द अदर एक एक करके सी बी टर्न फेल बट सेड नथिंग सी बी बिल्कुल एकदम पीला पड़ जाता है एकदम पीला पड़ जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है बेचारा सी बी द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सी बी कॉन्फिस्केटेड गोड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल अगले दिन जब स्कूल गया सी बी तो देखा कि उसके टीचर जो हैं सी बी से छीना हुआ जो गोड्स था वह एक बूढ़े पोर्टर यानी जो उसमें रहता था यानी स्कूल में जो चपरासी था उसको वो कद्दू दे दिए ही आर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम एंड क्लीन ऑब्जेक्ट और वो सर बोल रहे हैं कि ये लो चपरासी से कि आइए आइए ये लीजिए और इस प्रकार से दे रहे थे जैसे कि मानो कोई गंदा चीज उसको दे रहे हो बिल्कुल नहीं होता है कि अरे धरो यार हटाओ तो इस तरह से दे रहे थे सी भी देख रहा था द पोर्टर टूक द गोड होम विद हीम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम पोटर जो है उस कद्दू को ले गया और ले जाके अपने सूटी रूम में रख दिया दीवार पर वो भी लटका दिया क्या होता है जरा देखते हैं आगे अबाउट टू मंथ्स लेटर लगभग दो महीने बाद जो है द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल डिसाइडेड टू टेक द गोड टू अ लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट एक बार क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद जो है द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड पॉटर यानी कि जो यानी चपरासी है क्या हुआ कुछ महीनों बाद बिल्कुल तंगी में आ गया आर्थिक तंगी में उसे पैसे की जरूरत पड़ गई फॉर मनी तो उसने डिसाइड किया सोचा कि क्यों नहीं इस कद्दू को जो है एक लोकल क्यूरो शॉप पर ले जाया जाए और देखा जाए कि शायद इसकी कुछ कीमत लग सके कुछ पैसे मिल सके तो फिर उसने क्या किया द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गोड केयरफुली देन अज्यूमिंग एन अनस्ट्रेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पॉटर सेइंग आई माइट गिव यू फाइव फॉर इट जब यह यानी डिसाइड करने के बाद जो चपरासी है वो क्यूरियो डीलर के पास ले गया क्यूरियो डीलर उसको ले लिया और परीक्षण किया ध्यान से उसको देखा गोट्स को और देखने के बाद बिल्कुल अज्यूमिंग एंड अनइंटरेस्टेड टोन यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अरुचिकर भाव में जो है वो ऐसे देते हुए फिर मतलब उसी चपरासी को कद्दू लौटाते हुए ऐसे लग रहा है कि उससे कोई मतलब ही नहीं है दुकान वाले को कद्दू से मतलब अपना रुचि नहीं दिखा रहा है उसमें और कह रहा है कि ये लीजिए क्या करेंगे कद्दू को मैं खूब करूंगा तो इसका जो है आपको फाइव येन दे दूंगा यानी पांच येन दे दूंगा ठीक है ऐसे बोल करके फिर उनको दे देता है चपरासी को तब तक से क्या होता है भाई चपरासी भी तो कोई इतना गुर्बक है नहीं द पॉटर एज स्टाउंडेड बट बीन क्वीट एंड अस्ट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड हिज ऑफर टू टेन येन बट द पॉटर वॉज स्टिल एडेमेंट तब पॉटर जो है वो बोलता है कि अरे इतना मैं तो मैं नहीं है दूंगा तब क्या होता है कि जैसे ही पॉटर जो है इनकार करता है तो वो दुकान वाला जो है बढ़ा देता है रिप्लाइड हिज ऑफर टू टेन येन वो टेन कर देता है यानी बोलता है कि चलिए टेन देता हूँ ले लीजिए टेन भी तो ज्यादा दे रहा हूँ लेकिन ले लीजिए दुकान वाला बोलता है बट द पॉटर लेकिन फिर भी जो है पॉटर अधिक रहता है वो हिलता नहीं है कि मैं इतना में भी दूंगा अब देखिए लालच इसका बढ़ रहा है इन द एंड टू से होना चाहिए फिफ्टी एन फॉर द गॉड और उसके बाद जो है मतलब अंततः जो है वो दुकान वाला बोलता है कि चलिए फिफ्टी एन इसका दिया यानी फिफ्टी एन में बात हो जाती है और उस गोड्स को जो है पचास एन में वो ख़रीद लेता है और पचास एन जो है उस चपरासी को मिल जाता है द पॉटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक अब पॉटर जो यानी कि जो चपरासी है वो पचास पचास एन ले करके और घर के तरफ लौट चलता है और बहुत खुश होता है अपने भाग्य पर कि देखो जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा वो मुझे पचास येन दे दिया इट often ऑफ the दैट द टीचर्स गेव वन gift इक्वी to a टू अयर्स टू अयर्स wages। मतलब वो इसलिए इतना खुश होता है एक और खुश होने का कारण है कि ये जो पचास येन चपरासी को मिला हुआ होता है यह इसके एक साल के कमाई के बराबर होता है इसने सोचा भी नहीं था चपरासी ने कि मुझे इतना पैसा इसके मिल जाएंगे ही वो सो क्लेवर चपरासी बहुत चलाक था तभी ना वो उसको समझ गया जब वो पांच एन बोला तो उसको समझ गया अरे ये तो बेकार चीज का पांच एन बोल रहा है यानी जरूर कुछ बात है तो अड़ गया तो फिर दस एन हुआ दस एन पे भी अड़ गया तब तो जाके पचास एन पे बात हुआ समझ जा रहा था बातों को भावनाओं को एज नॉट टू मैं टू एनी वन एंड heard सी बी happened to एवर हर्ड तो चलाक इतना था लेकिन इसने जो है इस गोड्स के बारे में किसी को भी बताया नहीं कि आखिर मैंने इस गॉड्स का क्या किया ना शिक्षक को बताया और न ही सी को भी बात का पता चल पाया कभी कि आखिर वो छीना हुआ गॉड्स यानी जो चपरासी को दिया गया था उसका क्या हुआ होगा सीबी को भी इस बात का पता नहीं चला येस द पॉटर वॉज क्लेवर हाँ पॉटर चलाक था बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ लेकिन वो बहुत चलाक नहीं था क्योंकि इससे भी ज्यादा चलाक कौन था दुकान वाला था कैसे आइए देखते हैं लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गोड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर सिक्स हंड्रेड ये येन क्योंकि जो था वो दुकान वाला वो उसी कद्दू को जिसको उसने फिफ्टी एन में खरीदा था वो उसने कलेक्टर को जो संग्रह करता होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जिले में जो बड़े होंगे संग्रहकर्ता उनको वो सिक्स हंड्रेड एन में यानी पचास एन में ख़रीद के छः सौ एन में बेच दिया यानी इनसे भी वो ज़्यादा चला था ना उसको पता था इन सब बातों की तभी ना पचास ए एन दे दे दिया फट से और सिक्स हंड्रेड एन कमा लिया तो इतना इसके लिए भी काफ़ी है और पचास एन चपरासी के लिए भी काफ़ी ही है ठीक है तो इस तरह से जो है उस कद्दू का जो है इस तरह से जगह बदला आगे देखते हैं सी बी इज नाउ इंग्रॉस्ड इन ही पिक्चर्स अब सीबी जो है पिक्चर बनाने में बिजी है यानी फोटो बना रहा है पहले कद्दू बना कद्दू ला रहा था कलेक्ट कर रहा था फोटो बनाने में बिजी है ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टूवर्ड्स द टीचर और टुअर्ड्स हिज फादर हु इज मैस्ड ऑल हिज प्रेसियस गोड्स टू पीसेस यानी आजकल सीबी जो है पेंटिंग करने में व्यस्त रहता है उसके मन में जो है नो लॉन्गर फील्स उसके मन में कभी भी जो है न तो अपने शिक्षक के प्रति कटुता आया बिटरनेस आइदर टुअर्ड्स द टीचर मतलब शिक्षक के प्रति कभी भी जो है उसके मन में कटुता नहीं आया और न ही अपने पिता के प्रति हिज फादर जिन्होंने कि इसके सारे जो है बहुमूल्य गोड्स को टुकड़े टुकड़े कर दिए तो इनके प्रति भी कटुता उसके मन में कभी नहीं आया और न ही अपने शिक्षक के प्रति मतलब सी बी उन बातों को भूल गया और कभी भी उन्हें बुरा भला भी नहीं बोला ठीक है येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स क्योंकि अब सी बी जो है पेंटिंग बनाने में बिजी है तो अब जो है धीरे धीरे सी बी के पिताजी जो है पिक्चर बनाने के लिए भी डटना शुरू कर दिए हैं यानी तस्वीरें रंग रहा है पिक्चर बना रहा है तो अब उसके पिताजी देख रहे हैं कि ये जो है कद्दू का छोड़ा तो अब जो है तस्वीरों में लग गया तो अब जो है इसके लिए भी उसके पिताजी कभी कभी उसको डांट देते हैं डांटने लगे हैं कि एक छोड़ा तो फिर तुम जो है दूसरे में लग गया तो ये बातें जो हैं अब सी के साथ चलती रहती हैं यही से हमारा स्टोरी भी समाप्त होता है तो ये था हमारा स्टोरी द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा हुआ जो कि एक जैपनीज़ राइटर है तो बताइएगा कमेंट में लिख करके कैसा लगा आपको ये स्टोरी और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे इस चैनल से जुड़ करके आफ ही की तरह वो भी जो है बिहार बोर्ड के सारे चैप्टर्स का लाइन बाई लाइन करके मीनिंग को वो भी पढ़ सके समझ सकते ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय